Hello students, how are you all? Hope you all are safe and sound at your place and doing well. As you know, we are doing our online classes. Our chapter number 1 is over. Today we will start our chapter number 2 in the family. First chapter jo apna tha, previous chapter, wo tha relationship. And today we will do in the family. A child learns good habits and values from his and her family. A child, एक बच्चा learn करता है good habit and value, अच्छी आदतें और मूल्य अपने परिवार से. हमारे जो आचार विचार, हमारा व्यवहार है, हमारी habits हैं, हमारे manners हैं, सब हमारे कहाँ से मिलते हैं हमें? हमारी family से. Family members say, our family influence us a lot. हमारी family हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है. We learn many things from our elders. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं हमारे बड़ों से. They teach us the difference between good and bad things. वो हमें बताते हैं, सिखाते हैं difference between good and bad things, अच्छे और बुरे के बीच के फर्क को हमें जानना सिखाते हैं हमारे परिवार के बड़े लोग. Sharing and caring. Sharing and caring. Share करना, अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ बांटना, और care करना, उनकी देखभाल करना, उनकी चिंता करना, उनकी care करना, उनके लिए सोचना, उनके लिए अपनी चिंता व्यक्त करना. हमारे परिवार में हमें एक दूसरे की हेल्प करना भी सिखाया जाता है और शेयरिंग केयरिंग भी सिखाते हैं. चिराग नेवर हेल्प्ड हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स एट होम. चिराग कभी भी नहीं हेल्प करता है अपने पेरेंट्स और ग्रैंडपेरेंट्स के घर पे. वन डे हिज मदर सेड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन द हाउस. एक दिन उसकी मम्मी ने बोला कि घर पे बहुत सारा काम है. क्या बोला? कि घर पे बहुत सारा काम है. इफ ऑल ऑफ अस शेयर द वर्क, इफ हम सारे मिलकर वर्क को शेयर कर लेंगे, इट वुड बी फिनिश्ड इन अ शॉर्ट टाइम. वो जल्दी से खत्म हो जाएगा. देन We will get a lot of free time to spend with each other. फिर हमें क्या मिलेगा? एक free time मिलेगा जिसमें हम एक दूसरों के साथ time spend कर पाएंगे. Chirag understood what his mother was trying to say and decided to help his parents. चिराग समझ गया कि उसकी मम्मी उसको क्या कहना चाहती हैं, और उसने ट्राई क्या कहना चाहती हैं, और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी मम्मा की हेल्प करेगा, पेरेंट्स की हेल्प करेगा. व्हाट आर द चॉर्स दैट योर मदर एंड फादर डू. कामकाज, क्या कामकाज करते हैं आपके माता और पिता? डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम. क्या तुम हेल्प करते हो अपने मम्मी पापा के? घर पे तो बहुत सारे काम होते हैं. मम्मा मॉर्निंग से इवनिंग तक इतने सारे काम करती है. आप कौन से काम में मम्मा की हेल्प करते हो? पापा भी बहुत सारे काम करते हैं घर पे. आप पापा की हेल्प करते हो ना? गुड. हमें हमेशा हमारे मम्मी पापा की, पेरेंट्स की, दादा दादी की, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी हमारे साथ रहते हैं, उन सब की हेल्प करनी चाहिए. वन डे हिज टीचर आस्क्ड हिम इन द क्लास, होम डू यू एडमायर द मोस्ट इन योर होम. आप घर में सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हो? चिराग एट वंस रिप्लाइड माय मदर. चिराग ने जवाब दिया, मेरी मम्मी. ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाई, उन्होंने पूछा क्यों? ही सेड सी नॉट ओनली गोज आउट एंड वर्क बट ऑल्सो डज ऑल द कुकिंग एंड वॉशिंग
सी ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल द पर्सन्स इन द फैमिली। वो केवल बाहर नहीं जाती है, वो घर के सारे काम करती है, कुकिंग करती है, वॉशिंग करती है, खाना पकाती है, घर को साफ रखती है, हमारे कपड़े धोती है एंड साथ में वो घर के सारे लोगों की टेक केयर देखभाल करती है, ऑल द पर्सन्स इन द फैमिली, सारे लोगों की घर में। द टीचर देन आस्क्ड, व्हाट इज द वर्क दैट अदर्स इन योर होम इन योर हाउस डू, बाकी लोग क्या करते हैं फिर तुम्हारे घर में। व्हाट इज द वर्क दैट अदर्स डू इन योर हाउस, हाँ बाकी लोग क्या करते हैं। चिराग रिप्लाइड, माई फादर टीचेस मी वेन ही कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस, मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं जब वो ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं। वी हैव अ स्मॉल लॉन इन आवर हाउस, हमारे पास एक छोटा सा लॉन है, जिस जो हमारे घर के बाहर हमारे पास एक छोटा सा लॉन है। बिफोर गोइंग टू ऑफिस ही वॉटर्स ऑल द प्लांट्स, वो ऑफिस जाने से पहले क्या करते हैं, सारे पौधों को पानी देते हैं। ऑफिस जाने से पहले क्या करते हैं, सारे पौधों को पानी देते हैं। व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस ही ब्रिंग मिल्क एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, और ऑफिस से घर आते टाइम वो घर के लिए लेके आते हैं दूध और सब्जियां बाजार से। इन द इवनिंग माई ग्रैंडफादर टेक्स मी माई सिस्टर एंड कजन्स टू द पार्क, शाम के समय मेरे दादाजी मुझे मेरी बहन और मेरे कजन्स को लेके जाते हैं पार्क में। ही ऑल्सो हेल्प अस इन स्टडीज, ही हैज अ वेरी वेस्ट नॉलेज, वो बहुत ज्यादा उनको क्या है, ज्ञान है और वो हमें पढ़ाते हैं। ही ऑल्सो हेल्प इन स्टडीज, वो हमारी पढ़ाई में मदद करते हैं और उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। ये दादाजी बातें कर रहे हैं बच्चों को और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। माई ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरीज, सी ऑल्सो हेल्प माई मदर इन कीपिंग द हाउस क्लीन, ये दादी जी हैं जो हेल्प करती है मेरी मम्मी की क्लीनिंग में भी। देखो ये साफ कर रही है ना वास को, गमले को ठीक कर रही है ना, साफ कर रही है देखो, और मम्मा भी उधर टेबल ठीक कर रही है। आई प्ले विथ माई कजन्स एंड सिस्टर, माई कजन महेश इज अ वेरी गुड तबला प्लेयर, ही टीचेज मी हाउ टू प्ले तबला। वो बोल रहा है कि मेरी दादी जी मुझे स्टोरी भी सुनाती है, मेरी मम्मा का घर में काम करने में भी, साफ करने में भी हेल्प करती है, और मैं अपने कजन्स के साथ और मेरी बहन के साथ खेलता हूँ। मेरा कजन जो महेश है जिसका नाम, वो बहुत अच्छा तबला प्लेयर है, तबला बजाता है, और वो मुझे भी तबला कैसे बजाना है सिखाता है। द टीचर सेड वी शुड ऑल हेल्प ईच अदर एट होम एज वेल एज एट स्कूल, हमें हमारे घर में भी सबकी हेल्प करनी चाहिए और स्कूल में भी वैसा ही करना चाहिए, मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए घर के काम में। देखो ये रूम है, ये रूम कैसा लग रहा है, मैस लग रहा है, पूरा बिखरा बिखरा है इधर उधर। सेकंड रूम देखो, सारा सामान अपनी जगह पे है, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? यस यू कैन डू, लुक द पिक्चर, चेक व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, आर यू लाइक द बॉय इन पिक्चर ए और लाइक द गर्ल इन पिक्चर बी, सी पिक्चर ए पिक्चर बी। ये बॉय है, इसने अपने कपड़े कमरे को पूरा बिखेर के रखा है, देखो इसके कपड़े पिल्लो सब सामान इधर उधर बिखरा है, और एक यह गर्ल है पिक्चर नंबर टू बी, पिक्चर नंबर बी, देखो पूरा कमरा कितना वेल मेंटेन है,
अच्छा लग रहा है ना? यस, हमारा ये टॉपिक आज हो गया है लुक्स एंड बिहेवियर। ये टॉपिक हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।